हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें इवोल्यूशन ऑफ मेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट पढ़ा। हमने देखा कि जो चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर टू डक्ट, जो बेसिक प्लान होता है उसमें टू डक्ट होती हैं, एक नेफिक डक्ट होती है, एक पैरा मीजो नेफिक डक्ट होती है जिसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, जो कि मेल के अंदर जो है डीजनरेट हो जाती हैं क्योंकि टेस्टिस जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन फीमेल के अंदर यही मुलेरियन डक्ट जो है वो फंक्शनल होती है। तो बेसिक प्लान के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इजीली इनको कंपेयर कर पाएंगे कि मेल जो यूरोजेनाइटल डक्ट जो है उसमें क्या क्या जो है वो इवोल्यूशन के दौरान चेंजेस आए और फीमेल यूरोजेनाइटल डक्ट के अंदर क्या क्या आए। ठीक है, तो मेल में तो हमने देखा कि मीजोनेफ्रिक किडनी जो डीजनरेट हो जाती हैं वही डक्ट जो है, वही मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो जेनाइटल डक्ट का काम करती है और उसमें वही वास एफरेंस और एपिडाइडमस और वास डिफरेंस जो है वो क्लोइका के अंदर खुलता है, जिसमें हमने देखा था एन एमनियोट्स के अंदर जो है वो दोनों जेनाइटल और जो यूरेटर है वो कॉमन डक्ट होती हैं और वो क्लोइका के अंदर खुलती हैं। एमनियोट्स के अंदर जो यूरिनरी डक्ट होती है और जो नेफ्रिक डक्ट होती है वो इंडिपेंडेंटली क्लोइका के अंदर खुलती हैं, एक्सेप्ट मैमल जहाँ पर वो यूरेथ्रा के अंदर खुलती हैं। अब हम फीमेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट का देखेंगे कंपैरिजन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसमें भी वही है कि जो जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं एक्सेप्ट साइक्लोस्टोम, वही साइक्लोस्टोम के अंदर जो है हमने बताया गोनड जो है वो सिलोम में प्रेजेंट होते हैं, जेनाइटल डक्ट एब्सेंट होती हैं और जो गैमीट होते हैं वो डायरेक्ट जो है सिलोम के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और वहाँ जेनाइटल पोर के थ्रू जो कि क्लोइका में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड में रिलीज किए जाते हैं। जो सिलोमिक एपिथीलियम होता है आउटसाइड द मीजोनेफ्रिक डक्ट, वहाँ से एक ग्रूव निकलती है जो कि क्लोज होकर एक ट्यूब बना लेती है जिसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। ये जब हमने बताया बेसिक प्लान में हमने बताया कि एक नेफ्रिक डक्ट होती है, दूसरी मुलेरियन डक्ट होती है। जो नेफ्रिक डक्ट है वहाँ से कुछ के अंदर जो है स्प्लिटिंग हो जाती है और दो डक्ट बन जाती हैं, एक नेफ्रिक डक्ट एक पैरा मीजो नेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। कुछ के अंदर, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो सिलोमिक एपिथीलियम जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, ये जो है सिलोम के अंदर जो है एक आउटग्रोथ बना लेता है, ग्रूव बना लेता है जो कि क्लोज्ड हो जाता है दोनों साइड से और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगर तुम्हें ध्यान हो कि हमने बताया था ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म होता है जिसमें सोमैटिक और स्प्लेंचनिक मीजोडर्म बनते हैं। स्प्लेंचिक मीजोडर्म में हमने देखा था इसमें फर्दर जो है ग्रोथ होती है तो एक सिलोम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। ये सिलोम के अंदर जो है पेरिटोनियम के थ्रू जो है ग्रूव बन जाता है और ये ग्रूव बना लेता है मुलेरियन डक्ट। ठीक है, फीमेल यूरोजेनाइटल डक्ट को अगर हम वर्टिब्रेट्स के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत ही लेस वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि मेल में हमने देखा दोनों तरह की कि मीजोनेफ्रिक डक्ट से कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनती है, मैमल्स के अंदर जो है वो सेपरेट डक्ट जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो इस तरह की वेरिएशन यहाँ पर दिखाई नहीं देती, बहुत कम वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगी, एक कॉमन सा बेसिक प्लान जो है वो फॉलो होगा। सेकंड जो है यूरिनरी और जेनाइटल डक्ट वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका कहीं पर भी आप कम्बिनेशन जो है वो नहीं देख पाएंगे, कहीं पर भी उनकी ज्वाइनिंग जो है कॉमन डक्ट जो है वो नहीं बनती जैसे कि मेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आपने देखा। अडल्ट के अंदर जो मुलेरियन डक्ट होती हैं वो वेस्टिजियल और नॉन फंक्शनल होती हैं क्योंकि वहाँ पर एंटी मुलेरियन हार्मोन बनते हैं, लेकिन अडल्ट फीमेल के अंदर जो मुलेरियन डक्ट होती है वो एनलार्ज होती है, बड़ी होती है और फीमेल जेनाइटल डक्ट जो कि ओवी डक्ट बनाएगी उसका फंक्शन प्ले करती है। ये
एंटीरियरली अगर आप देखेंगे सिलोम के अंदर खुलती हैं, ये वाला आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये एंटीरियर पोर्शन जो है इस ओविडक्ट का, इस मुलेरियन डक्ट का सिलोम के अंदर खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए ये ओवरी है, ठीक है, ये सारा जो जितना एरिया है ये सिलोम है, ठीक है। इस सिलोम में ये एंटीरियर एंड जो ओविडक्ट का होता है, जो मुलेरियन डक्ट का होता है, वो सिलोम के अंदर खुलता है, ठीक है। और ये रीजन जो है वो होता है जहाँ प्रोनेफ्रॉन जो है डीजनरेट होते हैं, ठीक है। और फिर ये सिलोमिक फनल, ये जो ओस्ट्रिया आप जो ओपनिंग देख रहे हैं उसको ओस्टियम, ओस्टिया या सिलोमिक फनल जो है वो बोल देते हैं। और पोस्टीरियर पोर्शन जो है इसका, इसी मुलेरियन डक्ट का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो क्लोइका के अंदर खुलता है, ठीक है। ये मुलेरियन डक्ट जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड में कंटिन्यूएशन में रहती है और क्लोइका में इंडिपेंडेंटली खुलती है, ठीक है। साइक्लोस्टोम में हमने पहले भी बताया कोई भी जेनाइटल डक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये बेसिक प्लान देखेंगे एन एमनियोट्स और एमनियोट्स के बीच में, तो आप देख पा रहे हैं इस एन एमनियोट्स के अंदर जो कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर ये ओवरी प्रेजेंट है सिलोम के अंदर। और ये जो है ये आप देख पा रहे हैं ये मुलेरियन डक्ट, ये इंडिपेंडेंटली इस क्लोइका के अंदर खुल रही हैं। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं ये मीजोनेफ्रिक किडनी और फिस्टोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, ये अपनी डक्ट के द्वारा, वल्फियन डक्ट के द्वारा जो है क्लोइका के अंदर खुलती हैं। तो दो इंडिपेंडेंट डक्ट जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एमनियोट्स के अंदर भी आप देख पा रहे हैं, एमनियोट्स के अंदर ये ओवरी है, ये मुलेरियन जो डक्ट है, ठीक है, और ये मेटानेफ्रिक किडनी होती हैं। तो यहाँ पर जो मीजोनेफ्रिक प्रोनेफ्रोन होते हैं वो सब डीजनरेट हो जाते हैं, उनके रेमिनेंट जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये जो है आप एक एन एमनियोट्स और एमनियोट्स के बीच में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ की जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक और फिस्टोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, जो कि एज इट इज़ अडल्ट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर एमनियोट्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मीजोनेफ्रिक और जो फिस्टोनेफ्रिक किडनी वो सब डीजनरेट हो जाती हैं, सिर्फ मेटानेफ्रिक किडनी जो कि परमानेंट किडनी का फंक्शन प्ले करती है वो प्रेजेंट होती है, और वो इंडिपेंडेंट एक यूरेटर के द्वारा जो है क्लोइका के अंदर खुलती है। तो बेसिक प्लान यही है कि इनके अंदर मुलेरियन डक्ट भी एग्जिस्ट करती है और नेफ्रिक डक्ट भी एग्जिस्ट करती है। फिशेस के अंदर, फिशेस के अंदर सबसे पहले आप अगर बोनी फिशेस की बात करते हैं टिलियोस्ट रोहू के अंदर, तो वहाँ पर फीमेल के अंदर जो है पेयर्ड ओवरी, और ये ओवरी जो है पूरी लेंथ में जो है वो प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। पूरी लेंथ में आप देख पा रहे हैं ये ओवरी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और जो एयर ब्लैडर होता है बोनी फिशेस के अंदर उसके नीचे जो है वो देखने को मिलती हैं। इनका जो मच वाइडर टेस्टिस से अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा थिक वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं, पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होती है ऑन देयर इनर फेसेस में, ठीक है। ओविडक्ट नहीं मिलती है, जो ओवा होते हैं वो जब राइव कर जाते हैं वो आउटर फेस से सिलोम के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, इनर फेस से वो पेरिटोनियम के द्वारा जुड़ी हुई होती है, जो उनका आउटर फेस होता है वहाँ से सिलोम जो है सॉरी जो एग होते हैं वो सिलोम के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, और ये डिस्चार्ज जो ओवा है ये जेनाइटल पोर जो कि टेम्परेरीली बनते हैं क्लोइका के अंदर वो उनके द्वारा जो है आउटसाइड में रिलीज कर दिए जाते हैं। जेनाइटल पोर जो बने एब्डोमिनल पोर के साथ होमोलोगस नहीं है, ये एब्डोमिनल पोर जो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर आप देखेंगे उसके साथ जो है वो हम उनको होमोलोगस जो है वो नहीं मान सकते। जेनाइटल पोर जो हैं क्लोइका के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि जिसके थ्रू जो है ओवा जो है रिलीज होता है। अब हम कंपेयर करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस जो इलाज्मो ब्रांच है, लंग फिशेस हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो मुलेरियन डक्ट होती है
वो डिफरेंटली जो है लोंगिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोनेफ्रिक डक्ट से बनती है। जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है उसके अंदर लोंगिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है और वो बना देती है एक नेफ्रिक डक्ट, दूसरी मुलेरियन डक्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मुलेरियन डक्ट होती है, अब आप पूरे वर्टिब्रेट्स में जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वेरिएशन आप देखेंगे वो आप देखेंगे मुलेरियन डक्ट में। मीजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक किडनी, चाहे वो मीजोनेफ्रिक किडनी है एमनियोट्स के अंदर, एन एमनियोट्स के अंदर, और एम एमनियोट्स के अंदर वो मेटानेफ्रिक किडनी है, वहाँ पर आपको जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखेगी, वो वैसे ही ट्यूब्यूल से कॉमन डक्ट बनाती है और क्लोइका के अंदर खुलती है। मुलेरियन डक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है डिफरेंट रीजन के अंदर, जैसे पहला रीजन बनेगा फनल, ठीक है, फिर शेल ग्लैंड, इस्थमस और यूट्रस, ये हम बता रहे हैं इलाज्मो ब्रांच और लंग फिशेस के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है, ये फनल है। पेयर ऑफ मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है, दोनों डक्ट का मुलेरियन जो है बिल्कुल एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है, जिसको सेप्टम ट्रांसवर्सम, जहाँ के ऊपर वाली जो है पेरी कार्डियल कैविटी होती है, नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जैसे हमारे अंदर होती है ना मैमल्स के अंदर आप देखते हो डायफ्रेगम, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर जो है ये सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है, जो अपर कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी और नीचे वाली जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में डिफ्रेंशिएट करता है। जो भी स्ट्रक्चर है अब आप देखेंगे इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिली, मॉडिफिकेशन मिली कि ओविडक्ट जो है वो लॉन्ग थिक वाल मस्कुलर ट्यूब है, उसका जो एंटीरियर एंड होता है वो मिड वेंट्रली, आप देखेंगे ये मिड वेंट्रल जोन है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर दोनों जो ओविडक्ट हैं उनके जो फनल रीजन होता है वो आपस में एक दूसरे के पास आकर खुलता है, ठीक है, और ओपन इनटू द सिलोम बाय सिंगल लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, जिसको ओविडकल फनल या ओस्टियम का नाम दे देते हैं। और ये वो रीज़न होता है जहाँ से जो ओवा है रिसीव करता है ओविडक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओवरी जो है वो सिलोम में प्रेजेंट होती है और ये ओवरी जो है वो ओवा जो है सिलोम में रिलीज कर देती है, और सिलोम से अब डक्ट के द्वारा जो है वो रिसीव कर लिया जाता है बाय ओस्टियम और फनल के द्वारा। अब यही आप देखेंगे, अब ये बैकवर्डली मूव करेगी ओविडक्ट, यहाँ से बैकवर्डली मूव करती है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाती है और ये बना लेती है इनलार्ज, आप देखेंगे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं शेल ग्लैंड या ओविडकल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है, जो ओवा है उसके चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन जो है वो बना देती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रहती है। यही ओविडक्ट आप देखिए नैरो हो गई, ठीक है, और यही नैरो जो डक्ट होती है अगेन जो है फिर डायलेट कर जाती है, और ये जो डायलेटेड स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं यूट्रस। अब आप देखेंगे एक ओविडक्ट उसकी जो है थिकनेस है, थिन है या वाइड है या नैरो है, डिफरेंट जो है पोजीशन आपको एक डक्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो और फिर आता है यूट्रस, इस्थमस, इस्थमस जो होता है ये बीच का रीजन होता है ये वाला, जो कि शेल ग्लैंड और यूट्रस के बीच में कनेक्शन का काम करता है, जिसको इस्थमस बोलते हैं। यूट्रस जो है जो यूट्राई बोथ साइड की है वो आप देखेंगे यहाँ कंबाइन कर गई, ये रीजन है जहां पर दोनों यूट्रस जो है वो कंबाइन कर जाती हैं और एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं वजाइना, और ये वजाइना जो है क्लोइका में खुलता है बाय अ लार्ज अपर्चर, ठीक है। तो देखिए इलाज्मो ब्रांच या लंग फिशेस के अंदर जो है ओविड के अंदर जो है आपको डिफ्रेंशिएशन जो है वो देखने को
मिला एम्फीबियन के अंदर। अब एम्फीबियन देखिए, अब देखिए कहीं पर भी आपको नेफ्रिक किडनी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि नेफ्रिक किडनी इंडिपेंडेंटली जो है, जैसे आपने डेवलपमेंट पढ़ा, जैसे आपने इवोल्यूशन पढ़ा, एज इट इज़ है, उसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन या चेंजेस देखने को नहीं मिले। सिर्फ और सिर्फ जो मुलेरियन डक्ट है, जो कि ओविडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ओविडक्ट बना लिया जिसने, क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएशन जो है वो नज़र आने लगी, तो उसमें ही आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब क्या होता है, एम्फीबियन के अंदर जो है ओविडक्ट जो है उसका जो है क्वाइल्ड होती है, ग्लैंडुलर होती हैं, सिलिएटेड होती हैं। ये पूरी जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्वाइलिंग दिखाई देने लगी, जो कि फिशेज में नहीं दिख रही थी, यहाँ पर ये क्वाइलिंग दिख रही है, सिलिएटेड है ये, जिसके कारण ओवा जो है वो इजीली पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा जो है मूव करता है। एंटीरियर एंड जो है इसका थिन वॉल होता है, सिलिएटेड होता है, जो कि डायरेक्ट करता है एग को फॉरवर्ड मूवमेंट। सिलोमिंग और ओविडक्ट का फनल जो होती हैं वो, उनके पास ग्लैंड ग्लैंडुलर जो रीजन जो प्रेजेंट होता है, जो कि एग के चारों तरफ एल्ब्यूमिनस कोट बनाता है। अब यहाँ पर एंटीरियर एंड में ये ओस्टियम है, इसकी वॉल जो है वो थिन वॉल्ड है, सिलिएटेड है प्लस ग्लैंडुलर है, दो चीज़ें उसकी वॉल में प्रेजेंट है। अब आप देखिए एंटीरियर एंड पर ही फिशेस के अंदर जो शेल ग्लैंड थी वो यूट्रस के पास बन रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सिलिएटेड और ग्लैंड जो है वो ओस्टियम की जो फनल है उसकी वॉल में प्रेजेंट है, जो कि सीलिया जो है मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और ग्लैंड जो है एल्ब्यूमिनस कोट जो है एग के चारों तरफ बना रही है। इसी का जो पोस्टीरियर एंड है, अब यहाँ पर पोस्टीरियर एंड में आ जाइए, जो कि क्लोइका के पास है, वहाँ पर ओविडक्ट इनलार्ज हो गई। आप देख पा रहे हैं ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इसमें बन गया। अब ये स्ट्रक्चर जो है इनलार्ज हो गया, ठीक है, और इसने बना दिया यूट्रस या ओविसैक, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेरली स्टोर होता है ओवा, और ये जो है नैरो ओपनिंग के द्वारा जो है यहाँ पर पेपिली प्रेजेंट होती है क्लोइका के अंदर खुल जाता है। ये किडनी है, ठीक है, किडनी से डायरेक्ट जो है ये यूरेटर ओपन हो रही है, और ये यूरेटर यूट्रस जो है वो क्लोइका के अंदर खुलती है एम्फीबियन में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमनियोट्स के अंदर, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेज आती हैं, सॉरी मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स। अब देखिए वेरिएशन आपने देखनी है ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, बाकी सब स्ट्रक्चर जो है सेम है, कोई आपको वेरिएशन जो है वो नहीं दिखेगी। अब एमनियोट्स के अंदर जो ओविडक्ट है, चाहे वो रेप्टाइल की हैं, बर्ड्स हैं, या मोनोट्रीम्स जो कि एग लेइंग हैं, उनके अंदर जो है एक्सटर्नली जो है वो वाइड होती हैं, लेकिन उनका बेसिक प्लान जो है, मतलब कि वेरिएशन भी देखने को मिलती हैं यहाँ और इसमें। ये देखिए ये एक रेप्टाइल की यूरोजेनाइटल सिस्टम है और ये बर्ड का है, तो इनका बाहर से आप देखेंगे तो इनका एक्सटर्नली जो है आपको स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका ये ओवरी है, ठीक है, और ये ओविडक्ट है, ओवरी और ओविडक्ट, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये ओवरी है और ये ओविडक्ट है। इनके स्ट्रक्चर में आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं एक्सटर्नली, लेकिन बेसिक प्लान वही है कि वही मुलेरियन डक्ट जो है वो ओविडक्ट में चेंज हो गई। राइट ओविडक्ट जो है रेप्टाइल के अंदर जो है वो लार्ज होती है, लेकिन वही राइट ओविडक्ट बर्ड्स के अंदर जो है वो वेस्टिजियल होती है। ये बर्ड है, ये आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट ओविडक्ट है, ये राइट ओविडक्ट जो है इसमें वेस्टिजियल आपको रूडिमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर जो है ओवरी जो आप देख पा रहे हैं, राइट ओवरी, ये जो राइट ओवरी है ये
लार्ज साइज की है एज कंपेयर टू लेप्टोप। ये तो रेप्टाइल और बर्ड में एक और डिफरेंस देखने को मिला। अब लेफ्ट ओविडक्ट जो बर्ड की अंदर अंदर होती है, ठीक है, ये लेफ्ट ओविडक्ट जो है इसके अंदर जो है अब डिफरेंट, क्योंकि राइट जो है बर्ड के अंदर डीजनरेट हो गई, सिर्फ लेफ्ट जो है उसके अंदर जो है आप डिफरेंशिएशन देखेंगे, वही फ्लोपियन फनल बन रही है जिसको ओस्टियम बोलते हैं। फिर ग्लैंडुलर मैग्नम, यहाँ पर क्या हुआ, रीजन जो है ओविडक्ट के रीजन जो है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है। जैसे हमने रेप्टाइल में एम्फीबियन में देखा कि उसका जो ओस्टियम है फनल है उसी के अंदर जो वॉल है उसी के अंदर ग्लैंड भी प्रेजेंट थे, सीलिया भी प्रेजेंट थे, यहाँ पर उसी ओविडक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया कि फ्लोपियन फनल बनी, फिर ग्लैंडुलर मैग्नम पोर्शन बना और फिर जो है क्वाइल्ड इस्थमस बना, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस्थमस जो है यहाँ पर क्वाइल्ड है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्वाइल्ड इस्थमस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये ग्लैंडुलर मैग्नम है और फिर यूट्रस है और फिर लास्ट में जो है ये वजाइना दिख रहा है। अब इन सभी रीजन का जो फंक्शन होता है वो वेरी करता है। जैसे फ्लोपियन फनल जो है वो वाइड है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन जो है वो सिलिएटेड है और उसका जो ओस्ट्रियम होता है वो फिम्ब्रिकेटेड होता है ताकि वो इजीली जो है ओवा को रिसीव कर सके। अब ये देख पा रहे हैं ये ओवा है, ये फिम्ब्रिकेटेड जो है वो ओस्टियम प्रेजेंट है, फ्लोपियन ट्यूब जो कि वाइड है, सिलिएटेड है और फिम्ब्रिएटेड है। सेकंड जो पार्ट होता है वो है ग्लैंडुलर मैग्नम जो कि एल्ब्यूमन सिक्रीट करता है। अब ओवा जो है ओविडक्ट में आ गया तो इसके चारों तरफ एक एल्ब्यूमिन की लेयर बन जाती है। फिर क्वाइल्ड इस्थमस रीजन आता है जो कि उस ओवा के चारों तरफ एक शेल मेम्ब्रेन जो है वो बना देता है। फिर वाइड जो यूट्रस होता है वो क्या करता है, उसकी चारों तरफ एक शेल बना देता है, ठीक है। और लास्ट में जो ट्यूबुलर वजाइना होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है उस एग के चारों तरफ, जो कि इजीली जो है क्लोइका में अपर्चर के द्वारा आउटसाइड में रिलीज हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन आपको बर्ड्स के अंदर देखिए, डिफरेंट पार्ट जो है डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैमल्स के अंदर जेनाइटल डक्ट जो है वो थ्री रीजन में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला है ओविडक्ट, वही फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं उसको, ये थोड़ी शॉर्ट होती है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये, इसको फ्लोपियन ट्यूब का नाम दे देते हैं ये, ठीक है। ये शॉर्ट होती है, स्मॉल इन डायमीटर होती है और थोड़ी कन्वोलेटेड होती है और इसकी लाइनिंग भी सिलिएटेड होती है। ये ओस्टियम से शुरू होती हैं और इसमें फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये फिम्ब्रियाई जो है ये ओवा को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। अब ये क्या होता है, ये ओवरी है, ओवरी एग रिलीज करती है और ये फिम्ब्रियाई उसको जो है वो एग को जो है वो ले लेते हैं और इस फ्लोपियन डक्ट में से जो है ट्यूब में से जो है ले जाते हैं। अब एग जो है ओवरी से रेस्ट ऑफ द जेनाइटल ट्रैक के अंदर जो है मूव करता है। फिर आता है यूट्रस, ये जो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं ये यूट्रस है। यूट्रस जो है फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हाउस करता है, यानी कि एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ये एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है जैसे जैसे एग मूव करता है और ये फीटस जो है इस एम्ब्रियो इस एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है क्योंकि ये नरिशमेंट, ये वो रीज़न है जहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो उसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटेक्टिव जो है वो कवर बनता है।
ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दो तरह की लेयर जो है इसमें देखती हैं, और इसका जो कोडल रीजन होता है वो सर्विक्स के द्वारा, ये वाला जो रीजन है जिसके कारण ये वजाइना के अंदर खुलता है, ये रीजन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, पहला ओविडक्ट हो गया, दूसरा यूट्रस हो गया। अडल्ट जो ट्रैक होता है वो पेयर्ड होता है एंटीरियरली और अनपेयर्ड पोस्टीरियरली। आप देखेंगे इसका जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यूट्रस का, ये यहाँ तो फ्यूज दिख रहा है, आप फर्दर वेरिएशन देखेंगे तो एंटीरियरली जो है वो पेयर्ड दो दिखाई देते हैं, पोस्टीरियर साइड में कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है, और वो अनपेयर्ड वजाइना के अंदर खुलता है। वजाइना जो है एक बर्थ कैनाल का काम करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जो है जब बेबी का बर्थ होता है उस समय ये हेल्प करती है, अपना रोल जो है वो प्ले करती है। तो मैमल्स के अंदर जेनाइटल डक्ट में ये थ्री पार्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यूट्रस के अंदर आपको मैमल्स के अंदर ही आप देखेंगे तो बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आता है डुप्लेक्स यूट्रस। मैमल के अंदर पूरे जेनाइटल डक्ट के अंदर जो है जो यूट्रस होती है वो पेयर्ड होती है इन मोनोट्रीम्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मोनोट्रीम्स हैं जिनके अंदर ये पेयर्ड हमें यूट्रस दिखाई देती है। मार्सुपियल्स हैं, उनका टर्मिनल पार्ट फ्यूज हो जाता है अप टू द लेवल ऑफ वजाइना एंटीरियरली, और वहाँ पर दो वजाइना भी देखने को मिलते हैं। जो यूथेरियन होते हैं, ट्रू मैमल्स जो होते हैं, उनका जो यूट्रस जो है पूरा फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और सिंगल यूट्रस जो है वो देखने को मिलता है, तो उनको डिफरेंट नेम जो है दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे डुप्लेक्स यूट्रस, यहाँ पर ये डबल होता है। डबल का मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डक्ट होती हैं वो फ्यूज़ नहीं करती हैं, इसके कारण यूट्रस जो है वो डबल दिखाई देता है। और ये मोनोट्रीम्स के अंदर, मार्सुपियल्स के अंदर, एलिफेंट के अंदर, रोडेंट के अंदर देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये यूट्रस जो है वो दो देखने हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अंदर यहाँ फ्यूज़न नहीं हुआ तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर वजाइना जो है वो अनपेयर्ड है, मोनोट्रीम्स के अंदर, मार्सुपियल्स के अंदर, एलिफेंट, रैट, माउस, रैबिट, इनके अंदर इस तरह का जो है वो यूट्रस देखने को मिलता है। सेकंड होता है बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट में अंदर जो है यूट्रस जो होता है वो वाई शेप होता है। वाई शेप आप समझ पा रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाई शेप जो है ये क्या होता है, जो यूट्रस है उसका एंटीरियर पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, फ्यूज़न नहीं शो कर रहा, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में फ्यूज़न हो जाती है जिसके कारण वो जो है वाई शेप बन जाता है। अंगुलेट्स के अंदर, कार्निवोर्स, कैट, डॉग, उनके अंदर जो है ये देखने को मिलता है। फिर आते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस, जो कि वाई शेप है लेकिन उसका इंटरनल पार्टीशन जो है वो नहीं होता, इंटरनली वो कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है अंगुलेट्स के अंदर, वेल के अंदर जो है। जो यूट्रस होता है मोर और लेस जो है वो फ्यूज्ड होता है एक्सेप्ट एट एंटीरियर एंड, ठीक है, जो कि मोस्ट कार्निवोर्स और हैमस्टर के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है सिंप्लेक्स यूट्रस, जिसके अंदर ओनली वन यूटराइन चैम्बर प्रेजेंट होता है, जो कि प्राइमेट के अंदर आपको देखने, यहाँ पर यूट्रस जो है दोनों यूट्रस जो है फ्यूज करके कॉमन चैम्बर बना लेते हैं, जिसको यूटराइन चैम्बर बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होता है। सिंप्लेक्स जो यूट्रस की मॉडिफिकेशन होती है ये प्राइमेट्स के अंदर, इंडियन टेल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका था फीमेल यूरिनो जेनाइटल डक्ट, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू।